आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और ये है आज का हमारा नया नाश्ता जो हमने बनाया है बहुत ही कम तेल में। और वैसे तो है ये अपम और मेदू बड़ा, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि हमने बनाया है नए स्टाइल से मेदू बड़ा अपम मेकर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेदू बड़ा। तो इंस्टेंट मेदू बड़ा बनाने के लिए हमने ली है उड़द की दाल। इसे मैंने 4 घंटे भिगोकर अच्छे से पीस लिया है और अब पीसने के बाद हम इसे अच्छे से फैटेंगे। तो ये फैटने का प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली 5 से 7 मिनट तक करना है ताकि जो ये दाल है वो बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो जाए और जो हमारा मेदू बड़ा है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनने वाला है इसे। और इसमें आप चाहें तो 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी मेरे पास चावल का आटा है रेडी, तो हम डाल देते हैं। ये मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच चावल का आटा। इससे जो मेदू बड़ा है क्रिस्पी भी बनेंगे, प्लस इसमें जो एक्सेस नमी है उसको भी ये सोख लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च। इसे मैंने बारीक क्रश कर लिया और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता। आप कड़ी पत्ता अगर नहीं है तो धनिया भी, इसमें धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं बारीक काट कर। और थोड़ा सा मैं इसमें ट्विस्ट करने के लिए डाल रही हूँ 2 उबले हुए आलू। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है इसके अंदर। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो आलू डालना ऑप्शनल है, अगर आप आलू नहीं डालना चाहे तो स्किप कर दीजिए। और आलू डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो आलू है वो इस दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। और 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। ठीक है, नमक। और इसको हम अच्छे से एक बार फिर से फैट लेंगे। और अब इसको मसाला मिलाकर हम 5 मिनट के लिए दोबारा से रख देंगे। और तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। एक बनानी है चटनी जो हम इसके साथ अभी खाएंगे। तो अब पहले हम बनाते हैं चटनी। तो ये मैंने लिया है थोड़ा सा तेल और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी राई। ये गई राई और साथ ही मैंने साइड में मेदू बड़ा के लिए भी ऑयल चढ़ा दिया है। और जैसे राई क्रैकल होगी हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज। और ये मैंने ली है 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल। इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। इससे जो हमारी चटनी बनने वाली है बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनेगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज। और प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, साथ ही थोड़ी सी अदरक और 1 हरी मिर्च। और ये मैंने डाले हैं 2 टमाटर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च, साथ ही आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, और इसको हम थोड़ा सा मिलाएंगे और 5 मिनट इसको ढककर पकाएंगे। और अब जो चटनी है उसका मसाला बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब जो बैटर है वो ठंडा हो गया है, तो अब हम इसकी पीस लेते हैं चटनी। तो ये तैयार है हमारी चटनी मेदू वड़ा के साथ खाने के लिए। अब आप चाहें तो इस पर एक अच्छा सा तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हम तो बिना तड़का ही खाते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, तो इसलिए हमारी चटनी रहेगी ऐसे ही। तो अब हम बनाएंगे मेदू वड़ा, लेकिन हमारे मेदू वड़ा में है एक ट्विस्ट कि हम मेदू वड़ा को फ्राई नहीं करेंगे और हम बनाएंगे इसको अप्पम मेकर में बहुत ही कम तेल से। तो ये अप्पम मेकर है, ये हमारा हो गया है गरम, और इसमें हम डालेंगे 1-1 चम्मच बैटर, ये गए मेदू वड़ा न्यू स्टाइल के। आप चाहे तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राइड खाना अवॉइड कीजिए और जितना हो सके आप स्टीम्ड और बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ खाना खाया कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए, और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, मेरा पेज आपको दिख रहा है, तो प्लीज उसे भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैंने सारे जो अप्पे हैं वो भर दिए हैं और अब मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और हम चेक करते हैं, मेदू बड़ा नीचे से सिक चुके हैं, तो मैं इस पर ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ताकि जब मैं इनको पलटू तो ये दूसरी तरफ भी ऑयल में सिक जाए। और अब मैं इसको पलट देती हूँ, नीचे से कितने अच्छे से क्रिस्पी सिक गए हैं। और देखिए बिना तेल के, जब कोई चीज बिना तेल के बनती है तो सच में बहुत खुशी होती है कि हम चीजों का आनंद भी ले रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑयल भी हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और मैंने सबको पलट दिया है और मैं इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बस आंच आप ध्यान रखें कि आपको बहुत तेज नहीं करनी है। और 5-7 मिनट हो चुके हैं और मैंने इनको बीच में एक बार पलट लिया था, चेक करने के लिए देखा था कि कहीं जल ना जाए। तो ये अच्छे से देखिए कितने क्रिस्पी सिके हैं, बहुत ही यमी दिख रहे हैं। और अब इनकी कर लेते हैं हम प्लेटिंग। देखिए कितने क्रिस्पी हैं नीचे से। गैस को मैं कर देती हूँ ऑफ। तो ये हम लेते हैं हमारी स्पेशल चटनी, इसे आप जरूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप मेदू वड़ा, सांभर वड़ा या और किसी भी चीज पकौड़े वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और ये है हमारे अनफ्राइड मेदू वड़ा, टेस्ट बिल्कुल मेदू वड़ा जैसा है, लेकिन ये बस ऑयल में फ्राई नहीं किए हैं हमने। और आप इनको जरूर बनाइएगा। तो लीजिए तैयार है हमारे मेदू वड़ा खाने के लिए। हम लेते हैं गरम गरम मेदू वड़ा का आनंद, और आप भी बनाइए और खाइए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।